बच्चों आज आपने वीडियो में देखा होगा कि साबुन बने हुए हैं। अब साबुन घर में क्यों बनाते हैं? नॉर्मल बहुत सारे साबुन आपको कई वैरायटी के कई कंपनियों के आपको मिल जाते हैं, उसका एक खास रीज़न है। आपकी स्किन इतनी निखर जाएगी, इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी सौम्य हो जाएगी कि बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हमें साबुन बनाने के लिए चाहिए क्या वो देख लेते हैं। आज इतना सरल तरीके से मैंने ये बनाया है कि आराम से आज ही अभी आप बनाना शुरू कर देंगे। और चलो कैसे हो, चलो चलते कुछ नया सा करने। चलो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जब भी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएं। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं किचन में रखा हुआ एक आलू। सबसे पहले आलू को वॉश कर लेते हैं, उसके बाद उसे छीलते हैं। छीलने के बाद एक पतले ग्रेटर से आप इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए। बाय चांस आपके पास ग्रेटर नहीं है तो छोटे छोटे टुकड़े करके इसे मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने इसे ग्रेट कर लिया, एक छोटा मीडियम साइज़ का ग्रेटर से आलू लिया था। अब इस ग्रेट किए हुए आलू के पल्प को हमें एक सूती कपड़े में डालना है, जिससे हमें स्क्वीज करके इसका पूरा का पूरा रसा निकालना है। आलू के अंदर वो चीज़ें हैं जो हमारे फेस पर चमक लाएगा और फेस को बहुत ही अच्छे से टाइटनिंग देगा, वाइटनिंग देगा और ब्राइटनिंग देगा। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, एक से एक चीज़ें जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। अब चलते हैं, हमें मेन चीज़ क्या चाहिए। हमें चाहिए सोप का बेस। ये मार्केट में हमेशा आपको अवेलेबल होगा, कहीं भी मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिलता है। ऑनलाइन की लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगी, आप वहां से मंगा सकते हैं। ये बेस होने की वजह से हमारा साबुन बनाने का काम जो होता है बड़ा आसान हो जाता है। अब हमें क्या करना है, घर में कोई भी एक पुराना सा बर्तन लेना है जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, और एक डबल बाउलर चाहिए, मतलब नीचे से कोई भी एक कढ़ाई वगैरह ले सकते हो जिसमें पानी डाल दीजिए। अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में भी ये मेल्ट हो सकता है माइक्रोप्रूफ बर्तन में। और ये साबुन कितना है, ये 60 से 70 ग्राम के आसपास है। अब चलते हैं इसके और इंग्रेडिएंट्स लेने। यहाँ मैंने एक साफ बोल ले लिया है जिसमें मैंने एक चम्मच डाल दिया है दूध। ये दूध कच्चा है तो बहुत ही बढ़िया, अगर कच्चा नहीं है तो नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं। इसी में मैं डाल रही हूँ आलू का जूस। ये देखिए थोड़ी देर में लाल हो गया ना, इसीलिए इसका जूस उसी समय निकालिए जब आप बना रहे हैं। आधा चम्मच डाल दीजिए एलोवेरा जेल। आधा चम्मच डाल दीजिए आप इसके अंदर कोई भी एलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल। मैंने यहाँ पर एलमंड ऑयल डाला है। एक से बढ़कर एक चीज़ें जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। इसमें डाल दीजिए विटामिन ई के 2 कैप्सूल। ये सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दीजिए। अब हमें जो मेल्ट किया हुआ साबुन जो मेल्ट हो चुका है करीबन, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी जिससे ये अच्छे से मिक्स हो सके। कोई कलर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई एसेंस नहीं, क्योंकि नेचुरल चीज़ों से हम बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और एलमंड ऑयल जो डाला है उसका फ्लेवर भी इसके अंदर बहुत ही अच्छा आ रहा है। बस ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हमें करना क्या होगा, हमें इसे एक मोल्ड के अंदर डालना होगा जमाने के लिए। आपको मार्केट में बने हुए सिलिकॉन के मोल्ड मिल जाते हैं जो अलग अलग शेप में साबुन बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपके पास वो हो तो आप उसमें बनाइए, अगर आपके पास वो ना हो तो केक बनाने के जो सिलिकॉन मोल्ड होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपके पास नहीं है तो पेपर कप ले सकते हैं। पेपर कप भी नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक का घर में बॉक्स हो वो ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर डिस्पोजेबल जो ग्लास होते हैं वो ले लिए हैं, कटोरी भी ले सकते हैं। अब इसमें आप क्या कीजिए, ये पूरा साबुन 2 पार्ट में डाल दीजिए। मैंने इसे 2 पार्ट में इसलिए डाला है क्योंकि जितना छोटा होगा साबुन उतना ही जल्दी हमारा ख़त्म होगा। अगर हम बड़ा बनाएंगे तो बाथरूम में रखा रखा कई बार ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये केमिकल फ्री है, इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है जिससे ये अच्छे से प्रिजर्व हो सके मार्केट की तरह। जो बड़ी बड़ी कंपनियां साबुन या जो भी बनाती हैं उसमें ये प्रिजर्वेटिव डालते हैं जिसकी वजह से हम बाथरूम में भी रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम घर में बना रहे हैं, होममेड बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब हमें इसे रख देते हैं, या तो आप बाहर ही रख दीजिए, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे ये जम जाएगा। अगर आपको बहुत जल्दी है तो फ्रिज में रख दीजिए। अब चलते हैं एक दूसरे फ्लेवर में साबुन को बनाने के लिए।
अभी मैंने जो साबुन रखा है थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में, करीब 100 ग्राम रखा है, छोटे छोटे पीसेस में कट करके वापस उसी में मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मुझे जो दूसरे इन्ग्रीडियंट चाहिए वो क्या चाहिए वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया टमाटर और विटामिन ई के कैप्सूल, और मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। टमाटर भी हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदे वाला है। मैं पहले भी आपको एक वीडियो बनाकर दिया है जिससे होममेड हम टमाटर से, कॉफ़ी से कैसे हम फेशियल कर सकते हैं, तो इसी तरीके से हमारा टमाटर भी बहुत काम करेगा हमारी स्किन पर। तो टमाटर को आप ताज़ा टमाटर ले लीजिए, उसे धो लीजिए, पोंछ लीजिए और पतले ग्रेटर से उसे भी ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद इसका भी हमें उसी तरीके से पतले कपड़े में रसा को अलग करना है, जिससे सीड्स अलग हो जाएं और इसका रसा जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए। ये देखिए, ये टमाटर का पूरा बढ़िया सा रसा निकल आया है। एक बार आपको जब इन साबुन की आदत पड़ जाएगी तो आपको मार्केट वाले साबुन पसंद ही नहीं आएंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच चंदन का पाउडर। गर्मियों में चंदन का पाउडर बहुत ज़्यादा ठंडक देता है और हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप चाहें तो इसमें कस्तूरी हल्दी है तो वो भी 2-3 पिंच आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने अभी हल्दी नहीं डाला है, मैंने चंदन डाल दिया है। चंदन डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया आधा चम्मच कोकोनट ऑयल, आधा चम्मच एलोवेरा जेल। इन सबको मैं मिक्स कर रही हूँ। चंदन डालने की वजह से इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, तो आप ये ना सोचें कि ये काला कैसे हो गया। अब इसमें डाल दीजिए विटामिन ई के कैप्सूल, 1 से 2 आप इसमें डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को छान कर आप उस सोप बेस में डाल दीजिए। ये छान इसलिए रही हूँ क्योंकि चंदन पूरा अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, अगर हम छानेंगे तो बहुत ही बढ़िया अच्छे से सारी चीज़ें अंदर चली जाएंगी। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए सोप बेस के साथ। ये बिल्कुल मेल्ट हो चुका है बहुत अच्छे से और डार्क कलर, ब्राउन कलर का बन गया है। अब हम इसे बनाएंगे सिलिकॉन के मोल्ड में, क्योंकि अगर आपके पास सिलिकॉन के मोल्ड हैं तो उसमें भी हम कैसे जमाते हैं वो भी मैं दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर जो सोप बेस था मैंने पूरा इन सिलिकॉन के मोल्ड के अंदर डाला है। मैं बड़ा इसलिए आज आपको बना के दिखा रही हूँ कि इसकी सुंदर सी डिज़ाइन आपको दिखे। बहुत ही सुंदर लगते हैं जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, ये ग्लास में जो हमने पहले तैयार किए थे कैसे बन गए हैं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ये इन्हें निकाल लेते हैं कट करके कैंची से, और ये क्योंकि ये सिलिकॉन के मोल्ड हैं इन्हें हम फोल्ड करके पीछे से निकाल सकते हैं। ऊपर जो हल्का हल्का झाग आपको दिखता है, एक कलर आ जाता है, तो वो उससे आप बिल्कुल परेशान ना हो। इस पर हमें घर में जब हम बनाते हैं तो हल्की सी झाग आती है, और जो मार्केट में ये लोग ऊपर से स्प्रे करते हैं तो जिसकी वजह से ये झाग हट जाती है। यहाँ एक बात और कहूँगी, अभी मैंने तो आपको 2 साबुन बताए हैं, आपको जो स्किन पर सूट करता है वो चीज़ें भी यूज़ कीजिए, बहुत ही अमेजिंग बनेंगे। आपको अब आलस नहीं आएगा कि वो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर पाते। आप इस साबुन के अंदर डालिए और बस आपके रोज़ के रोज़ यूज़ हो जाएंगे। रोज़ अब हम बाथरूम में जाते हैं, साबुन तो हम यूज़ करते हैं, बार बार हाथों को साफ़ करते हैं, पैरों को साफ़ करते हैं, मुंह को साफ़ करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया साबुन है। इसे यूज़ कीजिए और इन्जॉय कीजिए। एक और बात, इस साबुन को हम रखें कैसे, क्योंकि ये केमिकल फ्री है, कोई भी केमिकल इसके अंदर हमने यूज़ नहीं किया। अब टमाटर यूज़ किया है, दूध यूज़ किया है, आलू यूज़ किया, इसलिए आप बहुत सारी क्वांटिटी में बनाकर मत रखिए, छोटे छोटे बनाइए। और अगर ज़्यादा बन भी गए पैक करके एक बॉक्स में रखकर फ्रिज में रख दीजिए, आपके ये ख़राब नहीं होंगे। तो साबुन बनाने का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर अगर बच्चों नए आए हैं सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएं।